वेलकम बैक पूर्व वीडियो रे आमे विभाजित सूत्रर 2 रु 4 पर्यंत आमे पढ़िथिले एवं ए वीडियो रे आमे 5 रु 8 पर्यंत विभाजित सूत्र विषय रे जानिबा। 5 द्वारा विभाजित सूत्र, तो 5 द्वारा विभाजित सूत्र कौन? जेउ संख्यार एकक घरे शून किंबा 5 थिबो से संख्याटी 5 द्वारा विभाज्य हेबो। जेउ संख्यार एकक घरे शून किंबा 5 थिबो, शून 5 व्यतीत अन्य कोनोसी संख्या नथिबो। एठी उदाहरण रे देखो, एठी 350 अच्छी, 350 रे एठी एकक घरे कौन अच्छी? शून अच्छी। 446 रे, 446 रे एठी एकक घरे हमर कौन रहउछि? 6 रहउछि। तो एटा हबनी, ये होची विभाज्य हबो 5 द्वारा। 350 5 द्वारा विभाज्य हबो, किंतु 446 5 द्वारा विभाज्य हेबो नाही। कारण अरे एकक घरे 6 अच्छी, किंतु हमर सूत्र अनुसार कौन? एकक घरे शून किंबा 5 रहबा दरकार। एठारे जेहेतु शून नाही कि 5 नाही, 6 अच्छी, सेथिपई ए संख्याटा 5 द्वारा विभाज्य हेबो नाही। 555 एक घरे कौन अच्छी? 5 अच्छी। तो ए संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य, सॉरी 5 द्वारा विभाज्य हेबो। 635 रे एठी एक घरे 5 अच्छी, तो ए संख्याटी 5 द्वारा विभाज्य हेबो। 890 रे एठी एक घरे आमर रहउछि कौन? शून रहउछि, तो ए संख्याटी 5 द्वारा विभाज्य हेबो। तो एथिरु आमे स्पष्ट जानिपरिबा जे जेउ संख्यार एक घरे शून किंबा 5 थिबो से संख्याटी आमे कहिबा जे 5 द्वारा विभाज्य। जदि शून किंबा 5 किछि भी नथिबो ताहाले आमे कहिबा जे संख्याटी 5 द्वारा विभाज्य नुहे। 5 द्वारा विभाज्य परे आउरि आमे अलगा संख्या भी नेई परिया, बहुत सारा संख्या नेई परिबा। तो मोर उदाहरण पई तो एथि मु केवल ए 5टी ही संख्या नेइछि। तापर 6 द्वारा विभाजित सूत्र, एटा बहुत सहज। 6 द्वारा विभाजित सूत्र होछि कोन? जेउ संख्या उभय 2 किंबा 3 द्वारा विभाज्य से संख्याटी 6 द्वारा विभाज्य। जेउ संख्या उभय 2 ओ 3 द्वारा विभाज्य, यार अर्थ कोन? त आमे पूर्वपुरु जानिछे जे 2 द्वारा विभाजित सूत्र विषय रे आमे जानिछे। 2 द्वारा विभाजित सूत्र थिले हमर कोन? जेउ संख्या एक घरे 0 2 4 6 8 थिबो से संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य। तो एठि आमे प्रथमे देखिबा जे गोटे जे कोनो संख्या नबा से संख्याटा देखिया प्रथमे 2 द्वारा विभाज्य कि नुहे। एठि फास्ट मु गोटे संख्या नेछि 365 नेछि, तो सेथरे एक घरे आमर कोन अछि? 5 अछि। जेहेतु एटा 5 अछि त एटा कोनोसी मते 2 द्वारा विभाज्य हेबो नाही। एक घरे 5, तेणु संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य नुहे। तापर 365 टी 3 द्वारा विभाज्य होउछि कि नै आमे जानिबा। 3 द्वारा विभाज्य त सूत्र मने पकाओ, जेउ संख्यार अंकमानकर समष्टि यदि 3 द्वारा विभाज्य होतो ताहले से संख्याटा 3 द्वारा विभाज्य। तो एठी आमे देखिबा अंकमानकर समष्टि केते होउछि, 3 6 5 अछि। ताको सब आड करदबा, माने जोग करदबा, 3 युक्त 6 युक्त 5, तो एटा तर जोगफल केते आसीगला? 14, जोटा कि आमर तीनिक पणिकारे नाही, 3 द्वारा विभाज्य नुहे। 14 3 द्वारा विभाज्य नुहे, माने 365 3 द्वारा विभाज्य नुहे। तो ए क्षेत्र रे आमे कोन देखिले? 365 ना 2 द्वारा विभाज्य ना 3 द्वारा विभाज्य, कोनोसी संख्या द्वारा विभाज्य हेउ नाही। तो यदि उभय 2 आ 3 द्वारा विभाज्य होउनी ताहले से संख्याटी 6 द्वारा विभाज्य नुहे। तेमती आउ गोटे उदाहरण आमे नहीं पारिबा, 864 अछि। 864 रे एठी कौन? यार एक घरे 4, तेणु संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य हे। आम सूत्र अनुसार एक घरे एठी 0 2 4 6 8 भितर जेकोसी अंक थी हम, तो ये 4 अच्छी, से संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य हे। तो ये डाउटा क्लीयर होगा जे ए संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य, किंतु 864 3 द्वारा विभाज्य कि नुहे सेटा आम कमी जाना। तो तार अंक मान समि आम देखा केते हो, 8 युक्त 6 युक्त 4, तो यार जोगफल बाहर करदे आम 18 आसी। 18 तो तीन कपणिकार अच्छी आम जाने जे तीन कपणिकार 18 अच्छी, 318, किंतु आहरी सरल करा जब आम चाहिए तेल आम कौन करवा? आर अंक मान जोग करवा, 1 युक्त 8 समान 9 है, तो तीन कपणिकार 9 अच्छी, यहाँ आम समस्त को जाना। तो जदि 9टा 3 द्वारा विभाज्य है, तेणु 864 3 द्वारा विभाज्य हेब। ये देखिले आम 864 2 द्वारा विभाज्य है, पुणी 3 द्वारा भी विभाज्य है। तो ये आम कौन कहीपर जे 864 6 द्वारा विभाज्य हेब, 864 6 द्वारा विभाज्य हेब। तो ये संख्याटा कौन है आमर? एटा 2 द्वारा विभाज्य है, 864 जे 2 द्वारा विभाज्य है, और 3 द्वारा विभाज्य है। उभय 2 और 3 द्वारा विभाज्य हो संख्याटी आम कहवा जे एटा 6 द्वारा विभाज्य, सरी 6 द्वारा विभाज्य हेब। आउ एक उदाहरण देख, 987 अच्छी, यार एकक स्थान में 7 अच्छी, तेणु ए संख्याटी आमर 2 द्वारा विभाज्य हेब ना, कारण आम सूत्र अनुसार 0 2 4 6 8 थी दरकार, ये 7 अच्छी, तो यहाँ 2 द्वारा विभाज्य हेब ना। तो 987 देखा ये कौन हो तार जोगफल अंक मान समि के 9 8 युक्त 7, तो होगा 24। 24 आपको यदि आम सरल करने चाहिए तेल 2 युक्त 4 कर 6 है, तो 6टा 3 द्वारा विभाज्य, 6 जेहेतु 3 द्वारा विभाज्य, ताहले ये जो संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य हे। किंतु एठी आगुरी आम देखीचे जे 2 द्वारा विभाज्य नुहे, तो आम सूत्र अनुसार उभय 2 और 3 द्वारा विभाज्य होगा दरकार। केवल गोटे द्वारा विभाज्य हेले हबनी कि 2 द्वारा विभाज्य हेले नहले हेब ना। तो
तो उभय द्वारा विभाज्य हवा दरकार सूत्र अनुसार से संख्याटी आम छ द्वारा विभाज्य होबना ए संख्याटी हेनी तापर तीन शह पंसठ नहीं दिले सेटा हेनी केवल आठशह चौसठ हे तो एमती आहरी बहुत सारा उदाहरण नहीं प्रमाण करो संख्याटी छ द्वारा विभाज्य और क्यों संख्याटी छ द्वारा विभाज्य नुहे एबे देखिया सात द्वारा विभाज्यता सूत्र जोटा कि बहुत पिलांकर ए गोटे नंबर ही डाउट था सात द्वारा विभाज्यता सूत्र कौन आर सब सहज उपायटा कौन सात द्वारा विभाज्यता सूत्र जानापी सहज उपायटा कौन ए भिडियो आम सब सहज उपायटी जाणिनबा देख सबुठार सहज एटा बहुत मन रखा सहज बुझे भी बहुत सहज जो संख्यार एकक घर अंक को दुई द्वारा गुणी अवशिष्ट संख्यार वियोग कले एवं एही क्रिया को आम शेष पर्यंत कंटिन्यू करवा माने चालू करवा जदि तार शेष आंसर जीरो आसे तेबे से संख्याटी सात द्वारा विभाज्य हेबो जो संख्यार एक घर अंक को दुई द्वारा गुणी अवशिष्ट संख्यार वियोग कले एवं एही क्रिया को आम शेष पर्यंत चालू रखा एवं शेष तार उत्तर जीरो हुए तेबे संख्याटी सात द्वारा विभाज्य आर सूत्र हुए तो किसी बुझी न हो पारे कि उदाहरण देखिले आराम से बुझेज किसी भी डाउट रही बनी। देखो ये आम गोटे उदाहरण नहीं छः हजार पांच शह दस गोटे संख्या नहीं चाहिए छः हजार पांच शह दस एठार एक घर अंक कौन अच्छी देख शून अच्छी तो जदि शून अच्छी तेल आम से कौन करवा शून गुणन दुई से एक घर अंक आम दुई गुणी दवा फास्ट दुई गुणी सारापर जहाँ तुम उत्तर आसा अवशिष्ट नंबर ये शून गलापर आउ कौन रहा छः एकवन रहा तो से छः एकवन रु आम ये शून्टा को वियोग करदे वियोग कर सारापर आम से छः एकवन ही पाइबा कारण जेकोसी संख्यार आम शून वियोग कले से संख्या पाइबा तो जो संख्या पाइले पुणी से मूल नंबर हो गला मूल संख्या आम से पाईगले तो आर एक घर कौन अच्छी एक आम दुई गुणवा दुई गुणला आम दुई पाइले से दुई से दुई पुणी जो अच्छी तार अवशिष्ट संख्या किए रहा पंसठ रहा पंसठ रू आम से दुईटा को माइनस करदे मैंने फेड़ीदे तेसठी पाइले पुणी यहाँ मूल नंबर हो गला तेसठी तो ये तेसठी से पुणी एक घर किए रहा तीन रहा तार दुई गुण ना तीन गुण ना दुई सामान छाला जहाँ पाइले अवशिष्ट नंबर रू आम वियोग करवा अवशिष्ट कौन अच्छे छः अच्छी तो छु छ माइनस करदे छु छ फेड़े आम कौन पाइबा जीरो पाइबा तो जदि आम शेष उत्तर टी जीरो हुए तेल से आम जाना जो संख्याटी सात द्वारा विभाज्य आउ गोटे उदाहरण आम नहीं पारा देखा सेठी से संख्याटा सात द्वारा विभाज्य हो ना ये परीक्षा मध्यम आम देखा देख आम आउ गोटे उदाहरण नहीं पार नौ हजार सतशह छपन नहींचे तो तार एक घर कौन अच्छी छः अच्छी छे दुई गुण ना छर दुई गुण हूँ बार बार पाई सारापर तार अवशिष्ट नंबर को आम देखा अवशिष्ट नंबर कौन अच्छी नौशह पचस्तरी नौशह पचस्तरी से फेड़ा फेड़ापर आम उत्तर के नौशह तेयालीस ये आम मूल नंबर पलि आसा नौशह तेयालीस तो नौशह तेयालीस एक घर किए रहा एक घर तीन रहा तीन रुई गुण ना छाला से छटा को आम कौन माइनस करवा अवशिष्ट संख्या रहा चौरानबे चौरानबे से छटा को फेड़ा चौरानबे छः फेड़े आम के आसी जा अठाशी आसी जा अठाशी आसा अठाशी एक घर कौन अच्छी आठ अच्छी तो आठ रुई गुण ना षोह षोह आउ अवशिष्ट संख्याटा को आम फेड़द फेड़ सारापर आम उत्तर के आठ आसी जामर सूत्र अनुसार कौन थी शून हवा दरकार जदि शून न हो तो से संख्याटी सात द्वारा विभाज्य होबना तो ये आठ है संख्याटी सात द्वारा विभाज्य होबना आमर एवं शेष विभाज्यता सूत्र पाखक जावा जोटा कि अच्छी आमर आठ द्वारा विभाज्यता सूत्र आम चार द्वारा विभाज्यता सूत्र जाणिले चार द्वारा थी कौन शेष दुई अंक अर्थात एकक और दशक घर अंक जदि अंक को नहीं गठित संख्या आदि चार द्वारा विभाज्य है तेल से संख्याटी चार द्वारा विभाज्य होता आठ द्वारा मैं डिटो सेम चार द्वारा आम दुईट अंक नौ आठ द्वारा आम ना तीनोट अंक मानने शेष तीन अंक जो संख्यार शेष तीन अंक अर्थात एकक दशक और शतक ए घर अंक को लेकिन जो संख्या गठित है आम आठ में हरवा देखिए से आठ में विभाज्य कि नुहे जदि विभाज्य है जाना जे जिते बड़ संख्या होता ना कहीं से संख्याटी आठ द्वारा विभाज्य हो तो आम ये गोटे छोट संख्याटे नहींजे आठ हजार नौशह छहस्तरी आठ हजार नौशह छहस्तरी शेष तीन अंक को आम केवल धरवा आ बेसी दरकार नहीं आम केवल शेष तीन अंक जोटा कि नौशह छहस्तरी अच्छी ताको आम आठ में हरवा आठ के आठ पड़ा एक सात सतर आठ दिन षोह पड़ा सतर रु षोह गला एक ये छह आसा षोह आठ दिन षोह भागशेष शून आसीगला तो जदि भागशेष शून आसीगला तो ये संख्याटी आठ द्वारा विभाज्य यदि तीन टा अंक आठ द्वारा विभाज्य है अवशिष्ट जितक भी अच्छी टोटाल संख्याटा भी आमर आठ द्वारा विभाज्य हम यहाँ थी आठ द्वारा विभाज्यता सूत्र आम आहरी उदाहरण नहीं करपर चलो आउ गोटे उदाहरण भी आम प्रस्तुत तो से उदाहरण में आम ये गोटे बड़ संख्याटे नहींचे जोटा कि
सात अंक विशिष्ट संख्या नहीं ए संख्या आठ द्वारा विभाज्य कि नुहे आम कमी जाना तरह शेष अंक आम सूत्र अनुसार केवल शेष तीन अंक को ही नवा एत बड़ संख्या आमर किसी कम ना शेष तीन अंक सतशह चौवन अच्छी तो सतशह चौवन को आम आठ हरवा हरण कर सारापर जब भागशेष शून्य आसा तो जाना जो टोटाल संख्याटा भी आठ द्वारा विभाज्य हे तो ये आम हरला कौन पाइले आठ नुआ बास्तरी फास्ट पकेबा तो सत पांच रु दुई गला तीन ये चारि गल चौतीस है आठ चौ बतीस बतीस है चारि दुई गला दुई तीन दिन है शून आमर भागशेष आसीगला दुई कि आम सूत्र अनुसार भागशेष के दरकार था ये शून्य आसा शून्य आसिले हिंपर ये जेहतु दुई आसला तेल ये संख्याटी आम कह आठ द्वारा विभाज्य नुहे जदि ये शून्य आसता ताहले आमे कही था ए संख्याटी आठ द्वारा विभाज्य सबूक हरबार किसी आवश्यकता नहीं केवल सूत्र को आम प्रयोग करवा तीनोटी अंक को लेकिन आम परीक्षा करदेव आम जापर जो टोटाल नंबरटा आठ द्वारा विभाज्य कि नुहे भिडियोटी को शेष पर्यटन देखि धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें ना और कमेंट मध्यम मतलब जनइबे थैंक यू।